चलिए इसको खोल लेंगे। देखिए ये नाखून की मदद से यहाँ इस गेट में इसको नाखून को डाल के ऊपर करना है। इसके अंदर लोक होते हैं, देख सकते हो आप। ऐसे खोलना है इसको, चारों तरफ से घुमा लेना है नाखून को। ये देखिए मैंने खोल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको टाइम में रखते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ये पावर स्विच है। इसका टिप जो होता है वो फट चुका है, शायद कहीं गिर गया, वो निकल गया मतलब। तो हमें इस पर एक जुगाड़ करना पड़ेगा, कोई दूसरा बटन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार का जो टिप है ये बहुत छोटी साइज़ है। ये मोबाइल के अंदर मिल तो जाती है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है उसमें, इससे इसमें छोटा साइज़ है, तो ऐसे टिप मिलेंगे नहीं हमको, तो इसलिए हम जुगाड़ करेंगे। देखिए टेस्ट लगा देंगे दोनों तरफ, इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए इसका एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये एडजस्ट कर दिया मैंने। मीटर में बजर सेट करेंगे। ये मैंने बजर सेट कर रखा है, प्लस माइनस चेक करेंगे दोनों को, आवाज़ आ रही है। अब आप देख सकते हो इसमें हमें पॉइंट को चेक करना है। ये अंदर पॉइंट है, ये भी अंदर पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इधर चेक करेंगे, ये अंदर नहीं है, ये दोनों कॉमन है, और ये बाहर वाला पॉइंट है, ये दोनों अंदर वाले पॉइंट है। अब ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे सैमसंग जे एट में लगने वाला बटन, ये रेडीमेड मिलता है अपन को, तो हम इसको सेट करेंगे। इसको हम ऐसे लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लगा करके अब हम नोट को पिका कर लिया है मैंने। अब इस पर हमें रंगा लगाना है, तो अब हमारा इसका काम खत्म हो चुका है, इस साइड में कर देंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपको, सही से नजर आए। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इधर वाले कोने में इसको लगाना है। उधर लग चुका है, इसको थोड़ा सीधा सेट करेंगे। बटन क्रॉस में होना चाहिए, ये मैंने इसमें से टिप को निकाल लिया है। इसमें हैं छोटे छोटे टिप्स, ये आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, उनको बड़ी सावधानी से लगाना है, क्योंकि ये इधर उधर उड़ जाते हैं, बड़ी आसानी से उड़ जाते हैं। बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही नाजुक है ये, तो हमें इसको सावधानी से सेट करना है और फिर इसके ऊपर टेप लगानी होगी। देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब हम दूसरे वाले को सेट करेंगे, दोनों को सही से सेट करें।
दो होंगे तो अच्छी मजबूती होंगी। बहुत ही नाजुक है, बहुत सावधानी से करना है। देख सकते हो आपको मेरे को कितना टाइम लग रहा है। तो ऐसा कोई चीज़ ले ले जिसमें ये चिपक जाए, चिपकने से इधर उधर नहीं जाएगा। नाखून की मदद से दबा देने इसे। अब ये दूसरा वाला चिपका हुआ है, इसको भी हमें ऐसे सेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने दोनों को चिपका दिया है। अब हमारा बटन काम करने लगा है। अब देखिए टेप लगा देंगे ऐसे करके। यहाँ से कोई कंपोनेंट अलग हो चुका है, इसको हम वापस लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस है, ये एलईडी का रेजिस्टेंस है। इससे इसकी नोटिफिकेशन लाइट जलती है, इससे पता चलता है कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इधर से चिपका दिया मैंने, सावधानी से करना है काम को। चेक करेंगे, देखिए नोटिफिकेशन लाइट चल चुकी है, तो हमारा ये सही हो चुका है बटन। अब हम इसे काट देंगे, ये जो साइड में एक्स्ट्रा टेप है इसे हम हटा देंगे, ऐसे करके काट देंगे। ये कट चुकी है, और हैं इसे भी काट देंगे। देख सकते हो रेड कलर वाली एलईडी थी का रेजिस्टेंस था, वो मैंने काट दिया टेप को। ये मैंने टेप को काट दिया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें बटन लगा करके चेक करेंगे। तो इसका वॉल्यूम की बटन है, सब काम बड़ी सावधानी से करने हैं। मैंने सेट कर दिया है, अब इसका ढक्कन हम लगाएंगे। इसमें इसका पूरा ढक्कन है फिट कर दिया है। अब हम इसे बंद करके चेक करेंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स बंद हो चुका है। अब हम दबाएंगे और ऑन करेंगे वापस से। देखिए ऑन हो चुका है हमारा, हमारा एकदम बन चुका है ये। इसमें किस प्रकार टिप लगाएंगे आपको आप खुद भी देख सकते हो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये जो फोन का ब्लूटूथ है, इसके बटन को रिपेयर कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड जरूर सब्सक्राइब जरूर करें।